हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अपना एसए का जो सेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक जो लव जिहाद है इसको कवर करने वाले हैं, और इसमें जो बॉलीवुड की जो भूमिका है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस बार के एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट होने वाला है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इस सारे वीडियोस का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से ले सकते हैं, ये फ्री है। इसके साथ ही आप फ्री क्विजेस का मजा ले सकते हैं, और इसके साथ आप फेसबुक पर 5 बजे हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप हमसे फेसबुक पर लाइव चैट कर सकते हैं 5 बजे PM में। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर। लव जिहाद है क्या, व्हाट इज लव जिहाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। इसको समझे बिना जो है आप इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके वर्ड को। अगर इसके पूरे प्रोनाउंसिएशन को आप समझ जाइएगा तो लव जिहाद आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसको काफी आसानी से आप समझ सकते हैं। लव जिहाद अगर देखें आप तो लव जिहाद दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है वो लव है और दूसरा जो है वो जिहाद है। अब ये जो लव है ये अंग्रेजी भाषा से मिलकर, अंग्रेजी भाषा के लव से मिलकर के बना हुआ है, और ये जिहाद जो है ये आपका अरबी भाषा जिहाद है। ठीक है, जिसका मतलब होता है मकसद। तो अंग्रेजी भाषा के लव का मतलब आप समझते हैं प्यार और मोहब्बत, और दूसरा जो है अरबी भाषा का जिहाद इसका मतलब होता है अपने मकसद। ठीक है, मकसद जो है इसको बोला जाता है जिहाद, जिहाद बोला जाता है अरब में मकसद को, अरबी भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर, ये तो हम लोग इसके पूरे वर्ड को डिफाइन कर लिए, लेकिन अगर इसको हम लोग एक डिफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपनी धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लव जिहाद बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा लड़का जो या तो किसी पार्टिकुलर दूसरे कास्ट से बिलोंग करता है वो एक लड़की को अपने प्यार में फंसाता है, और फिर क्या करता है कि उसका धर्म जो है वो पूरी तरीके से इंटरचेंज कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया लव जिहाद कहलाता है। ये हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में देंगे। आते हैं हम लोग इसके बॉडीज वाले पार्ट में, क्योंकि हमें केवल 300 वर्ड में ऐसे लिखना होता है तो इसमें हम केवल सिलेक्टेड वर्ड लिखेंगे, फालतू का वर्ड लिखना ही नहीं है कि नंबर कहीं से ज्यादा कटे। तो चलते हैं अपने इसके मेडल वाले पॉइंट पे। तो लव जिहाद जो मैटर था इस पे पहले कानूनी कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। ठीक है, इस पे जो भी प्रक्रिया होता था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से होता था या फिर जो भी हिंदू कोड है उसके हिसाब से ही होता था। लेकिन 25 मई को क्या होता है कि केरल हाई कोर्ट में अखिला अशोकन एक औरत है जो हिंदू औरत रहती है और उसका शादी एक मुस्लिम लड़का से होता है। ठीक है, और फिर उसके उसका जो शादी है उसका जो निकाह है उसको क्या होता है कि केरल हाईकोर्ट रद्द कर देती है। ठीक है, अब इस जो निकाह है इसको रद्द होने के बाद क्या होता है कि इस पर जो जांच बैठती है वहां से ये सारे चीज क्लियर हो जाते हैं कि आखिर में लव जिहाद हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है और तब इसको कानूनी मान्यता दे दिया जाता है। लेकिन आखिर वो मैटर क्या था, सारी बातें तो है क्लियर, लेकिन मैटर था क्या जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा कि अब लव जिहाद हो रहा है यहाँ पे। तो वो मैटर देखते हैं हम लोग। अखिला अशोकन एक औरत थी, ठीक है, जो केरल से बिलोंग करती थी और ये हिंदू है। 2016 में क्या होता है कि एक मुस्लिम लड़का सफीन जो है वो उसे निकाह करता है। यहां तक क्लियर है, अखिला अशोकन से 2016 में एक लड़का सफीन शादी करता है, निकाह करता है। बाद में क्या होता है कि अखिला का नाम जो है वो बदल करके हादिया कर दिया जाता है। यहीं से यह मैटर शुरू होता है, अखिला का नाम बदला जाता है और हादिया कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अखिला के माता पिता को क्या शक होता है कि उसकी जो बेटी है उसको फिदाइन बनाया जा रहा है। फिदाइन हमला में क्या होता है कि एक औरत या फिर कोई भी आदमी खुद अपने पूरी तरीके से जो है वो बम से लैस होता है और दूसरे के पास आता है, उसको साथ में लेकर के उड़ जाता है। ये फिदाइन का एक छोटा सा आपको बोले तो ये ऐसे आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया, इस टाइप के होते हैं फिदाइन का वर्क, किस टाइप का होता है। तो उसको बताया गया कि ISIS, तो उसके माता पिता को शक होता है अखिला अशोकन के, जो जिसका उपनाम हो जाता है हादिया, कि ये हमारी बेटी को ISIS में फिदाइन बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको लेकर के क्या होता है कि
जो अखिला के माता पिता है वो क्या करते हैं कि केरल हाई कोर्ट में मामला दर्ज करते हैं। अब केरल हाई कोर्ट क्या करती है कि इसके निकाह को रद्द कर देती है। अब इसके बीच में क्या होता है कि सफीन इसके ऊपर चैलेंज करता है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पे एनआईए का जांच बैठाती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, बहुत इंपॉर्टेंट है एनआईए, इसकी जांच बैठाती है। और इसमें क्या होता है तो ये जो आरोप लगाया गया हुआ है अखिला के माता पिता की तरफ से, वो आरोप सही निकलता है। एनआईए जो जांच बैठाती है उस पर ये सारा रिपोर्ट सही निकलता है। अब जब जांच सही निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ता है कि रियली लव जिहाद हो रहा है और इसके आर में क्या होता है कि टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, वैसे लव जिहाद का पहला जो मंसूबा होता है वो क्या होता है कि अपनी जो कौम है उसकी जनसंख्या को बढ़ाना, अपनी कौम की जनसंख्या को बढ़ाना। लेकिन इसके आड़ में अब होने क्या लगा है तो आतंकवाद जो है वो आतंकवाद क्या होता है कि इसके इसके आड़ में अब आतंकवाद बढ़ता है। अब आते हैं फिर से हम लोग इसके ऊपर, तो ये सारी जो लव जिहाद की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि ये एक जो लव जिहाद है ये बहुत ही सोच समझ करके चलाया गया वो प्रोपेगेंडा है, जिसमें क्या होता है कि मुस्लिम जो लड़के हैं या फिर मुस्लिम कौम जो है वो अपनी जनसंख्या को पूरी तरीके से बढ़ा करके एक छत्र राज, ठीक है, एक छत्र राज पूरे दुनिया पे करना चाहता है। ये अपने आप को माइनॉरिटी दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है, ये अपने आप को माइनॉरिटी में लाता है इंडिया में, जबकि ये अभी भी अगर इसकी जनसंख्या को गिना जाए तो कहीं ना कहीं से इसकी मेजोरिटी है यहाँ पे, लेकिन ये माइनॉरिटी में गिना जाता है। और इसी माइनॉरिटी का फायदा उठा करके ये क्या करता है कि ये जो कौम जो है, सारे लोग नहीं इस कौम के, कुछ लोग ही इस कौम के, ये सारे लोगों की जो भी जिनकी मेंटेलिटी हाई है, जो पढ़े लिखे हैं वो इस टाइप के बातों में नहीं रहते हैं, लेकिन जिनकी मेंटेलिटी कम है या फिर जो धर्म के थ्रू चलाए जाते हैं, जो धर्म के दल्ले लोग होते हैं उनके थ्रू चलाए जाते हैं, उनकी ये मानसिकता हो जाती है। वो क्या करते हैं कि अपनी कौम की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इस टाइप का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत दिनों से चलती आ रही है, ये आज की बात नहीं, ये बहुत दिनों से। एग्जाम्पल आपको लाएंगे जब बॉलीवुड की चर्चा इसमें होगी, तो विगत कई सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है कि एक हिंदू लड़का होगा, लड़की से शादी करेगा, एक मुस्लिम लड़का होगा, हिंदू लड़की से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कर देगा और अपने धर्म को, अपने कौम को पूरी तरीके से ये बढ़ावा देगा। इसके ऊपर भी जो है वो PIL दाखिल किया गया हुआ था, इसके ऊपर सारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसमें एक कौम की, एक जो आपका बताएं ये जाति है, उसकी यहाँ पे क्या जिम्मेवारी बनती है इसको बाइकॉट करना। लेकिन मुस्लिम धर्म के थ्रू होता क्या है कि लड़कों को मस्जिद की तरफ से पैसे दिए जाते हैं कि भाई आप इस तरह का काम कीजिए कि लड़की को ब्लैकमेल कीजिए, कुछ ऐसे अश्लील वीडियोस उनके वायरल कीजिए जो उनसे रिलेटेड हो, उसको वायरल करवा करके ब्लैकमेल कीजिए या फिर उसको राजी कर लीजिए अपने प्यार में और फिर उससे शादी कीजिए, हम आपको इसके लिए मस्जिद की तरफ से पैसे देंगे। ये कौम की मेंटेलिटी है। अब इस मेंटेलिटी को हम यहीं तक कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी के, हाई क्लास के लोग जो होते हैं जिसमें बॉलीवुड गिने जाते हैं, उसमें देखें तो ये बहुत, इसको हम एक तरीके से साइड में नहीं रख सकते हैं, बॉलीवुड भी पूरी तरीके से इसमें इंडल्स है। कैसे इंडल्स है ये देखिए, सैफ अली खान अपनी पहली पत्नी को तलाक देते हैं जिसका नाम अमृता होता है, ठीक है, और वो करीना कपूर से शादी कर लेते हैं, ठीक है, इनके बेटा का नाम तैमूर है। बहुत अच्छी बात है, ये केवल ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको देखना पड़ेगा, ये आपके केवल मेंटेलिटी को चेंज करेगा, यहाँ पर आपका आपके सोचने की क्षमता को चेंज करेगा कि आखिर हो क्या रहा है। शाहरुख खान अपने प्रेमिका गौरी से शादी करते हैं, ठीक है, इन बेचारी गौरी को कोई लड़का नहीं मिला था दूसरा शादी करने के लिए, इनको शाहरुख खान पसंद है, ये शाहरुख खान से शादी कर लिए। आगे आते हैं, अरबाज खान मलाइका अरोड़ा से शादी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आमिर खान किरण राव से शादी करते हैं, किरण राव को दूसरा लड़का पसंद नहीं था पूरे हिंदू जाति में, ठीक है, ये मैं किसी जात के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूँ, ये एक आपको पढ़े लिखे समाज की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनको राइट टू रिलीजन है, ये सारे काम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये करना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन उसके अंदर होना चाहिए और इसके अंदर उनको फायदा हो तब उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन फायदा मैं अभी आपको गिनाता हूँ कि फायदा हुआ या घटा हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति में मिलेंगे, ये पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इसमें बॉलीवुड को शामिल किया गया है इस सारे बात में, ये देखना है। और इसके ऊपर आपके फैक्ट्स जो होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए।
इन सारे चीजों में अगर आप देखिएगा तो हुआ क्या है, केवल लड़की का धर्म परिवर्तन किया गया है, केवल लड़की का, लड़का कभी मुस्लिम से हिंदू नहीं हुआ है। ये है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही है मेन टॉपिक। यहाँ केवल लड़की का नाम चेंज करना पड़ा है और इनके जो संतान हुए हैं, जैसे कि अगर आप देखें पहले जो इससे पहले तक का जो आपका था, इसमें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तैमूर होता है, ये करीना कपूर का बेटा, ये करीना कपूर का बेटा है। यहाँ पे इसका नाम कुछ दूसरा भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे तैमूर हुआ है। इस सारी प्रक्रिया में अगर आप देखें तो फायदा किसको हो रहा है, एक पार्टिकुलर कौम को फायदा हो रहा है, ठीक है, और लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके इससे आगे का जो जनरेशन हो रहा है वो मुस्लिम ही हो रहा है, ठीक है, वो मुस्लिम ही हो रहा है, बेटे का नाम मुस्लिम ही हुआ है उसके, ना कि वो करीना कपूर के नाम से हुआ है। ये सारी प्रक्रिया जो है ये अपने धर्म को बढ़ा करके एक छत्र राज करने की प्रक्रिया है। और इस सारे का साइड इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है ये भी देखना जरूरी है। इन सारे का जो साइड इफेक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से समाज के ऊपर आ रहा है, एक पर्टिकुलर समाज के ऊपर भद्दा बनते जा रहा है। जैसे कि अगर एक फिल्म आता है, एक फिल्म आता है टीपू सुल्तान, ठीक है, एक फिल्म आता है टीपू सुल्तान, आप इसमें देखते होइएगा कि सारे लोग टीपू सुल्तान की तरह अपनी मूंछ बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अभिनंदन वर्धमान आता है, ठीक है, एक अभिनंदन वर्धमान आता है और उसकी मूंछ की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, जो हमारे एयरफोर्स का एक ऐसा जाबाज ऑफिसर है जिसका वर्णन हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वो केवल उस पोस्ट पे रहने वाला आदमी ही कर सकता है, उसके मोच का नकल लोग करते हैं। ये समाज में होता क्या है, एक दूसरे का नकल किया जाता है। वैसे हाई जो बिलोंगिंग लोग होते हैं उनका यहाँ पे क्या होता है तो फोटोकॉपी किया जाता है। उसी तरीके से बॉलीवुड है, बॉलीवुड का सारे लोग कहीं ना कहीं से फोटोकॉपी करते हैं और यही फोटोकॉपी लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना था कि लव जिहाद को बॉलीवुड बढ़ावा देता है, क्योंकि इस जो लव जिहाद जो है ये बॉलीवुड में प्रेजेंट है अभी और सारे लोग इसी का कॉपी करते हैं, जिससे एक पार्टिकुलर जो कौम है, जो आपका हिंदू है या फिर इसके सिवा और जितने भी कौम है, सारे को कहीं ना कहीं से इस पर खतरा दिखता आ रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से ये खतरा मंडराता हुआ आ रहा है। तो इसीलिए बॉलीवुड कहीं ना कहीं से लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है और हम पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि लव जिहाद को बॉलीवुड बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि एक फिल्म का और पूरे बॉलीवुड का समाज पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, लोग उसका फोटोकॉपी करते हैं। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं, इसके साथ ही आप इन सारे वीडियोस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से ले सकते हैं, साथ में फ्री क्विजेस का मजा भी ले सकते हैं। ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने लव जिहाद को बढ़ावा देता बॉलीवुड इस टॉपिक को कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट है, यह वीवीआई टॉपिक है आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए, इसको कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।